फाइनली गाइज रिप्लेसमेंट भी आ गया, और इस रिप्लेसमेंट को पाने के लिए मुझे 15 दिन बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। वो कैसे करनी पड़ी अभी आपको बताता हूँ। अगर मैं आपको यहाँ पे कॉल से दिखाता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मोबेक्स मोबाइल एक्सपर्ट, इस पर मैं आपको कॉल से दिखाता हूँ। लाइक अगर आप व्यू वॉल पर जाएंगे तो ये वही नंबर है जो उन्होंने ऑफिशियली लिख रखा है कि ये कस्टमर के नंबर, यहाँ पर आप कॉल करिए आपको सारे रेजोल्यूशन मिलेंगे। एक बार भी देखिए कॉल नहीं उठा, कभी कभी मैंने तो 10 मिनट भी लगातार कॉल करके छोड़ दिया। अब इतना समय तो है नहीं कि दिन भर इसी में लगे रहें, और साथ ही साथ मैंने इनको बहुत बार ईमेल भी करता रहा कि रिप्लेसमेंट करना है। फर्स्ट टाइम मैंने ईमेल किया तब एक्नॉलेजमेंट आया कि यस क्या प्रॉब्लम है, आप फ़ोटोज़ शेयर किए, तो मैंने शेयर किया। फिर उन्होंने डिवाइस को पिक किया, लेकिन जब अपडेट देने की बारी आई कि रिप्लेसमेंट पिक हुए 5-6 दिन हो गए, अपडेट क्या है, तो किसी भी ईमेल का जवाब नहीं आया। तो ऐट द लास्ट फिर मैंने पब्लिक प्लेस पर, जैसे कि गूगल रिव्यू पर जो मोबेक्स का है, वहाँ पर जाके कंसर्न पोस्ट किया, इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया कि लाइक ये ऑर्डर आईडी है और कोई जवाब नहीं आ रहा है, कोई कुछ नहीं आ रहा है। देन फिर से कॉल आया मेरे पास, तब आप देख सकते हैं कि इनकमिंग कॉल आई यहाँ से मंडे को मोबेक्स से, आई मीन यू नो इसी हफ्ते मंडे होली के पहले का। देन आफ्टर दैट वहाँ से फिर से किसी नीलूफर का कॉल आया, देन उन लोगों ने मुझे एक रिप्लेसमेंट यूनिट प्रोवाइड की। अब रिप्लेसमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी उसके लिए हम वापस चलते हैं, ओरिजिनल यूनिट को अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं वहाँ पे क्या कहानी है। आज मैं गाइस एक नई वेबसाइट ट्राई करनी है, बहुत से रिक्वेस्ट आए थे और काफी नाम सुना था इस वेबसाइट का, और ये है mobex.in। जिनको नहीं पता मैं आपको बता दूं, इस वेबसाइट से आप रिफर्बिश रिन्यूड स्मार्टफोन्स बाय कर सकते हैं, चाहे वो एंड्रॉयड फ़ोन्स और डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स के या एप्पल के आईफोन्स हैं। यहाँ पे एक आईफोन है, आईफोन 12 एग्जैक्टली। आज मैं इस वेबसाइट की रिव्यू करनी है, मैं आपको सारे एक्सपीरियंस बताऊँगा कि बाइंग एक्सपीरियंस कैसा रहा, और हम देखेंगे कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, टेस्ट करेंगे कि फ़ोन जेन्युइन है कि नहीं है, और एट द लास्ट इन द कंक्लूजन क्या आप इस वेबसाइट से बाय करें ना बाय करें। और इससे पहले हमने ऑलमोस्ट जितने पर्टिकुलर पॉपुलर ब्रांड्स हैं जहाँ से आप रिफर्बिश्ड फोन्स बाय कर सकते हैं, जैसे कि कैशिफाई हो गया, सेलबडी हो गया, सही वैल्यू .com हो गया, मोबाइल गू, अमेजन रिन्यूड, फ्लिपकार्ट टू गुड, सारे प्लेसेस ट्राई किए हैं। ये एक नई प्लेस है, और इन फ्यूचर में भी और ऐसे बहुत से नए नए प्लेसेस ट्राई करते रहेंगे जो आप मुझे बताते रहेंगे। Buy these products with the best deals and offers from the YouTube shopping list. Tap on the screen and click view products to know more. So let's see guys, yahan pe kis condition mein phone aaya hai. Aur iPhone 12 aajkal best value for money 5G phone hai agar aap ek Apple ka phone lena chahte hain aur budget aapke liye thoda sa concern hai. और ये प्रोडक्ट मुझे पड़ा है एक्जैक्टली 40,000 का। प्राइस हम बाद में कंपेयर करते हैं, और मैंने COD ऑप्ट किया है क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। फटाफट ओपन करते हैं गाइस। ओके, इनसाइड बहुत ढेर सारे यहाँ पे पेपर्स भरे हुए हैं, गुड पार्ट यहाँ पे बबल लाइट नहीं देखा, थोड़ी सी प्लास्टिक सेविंग तो की गई है। ये तो गिफ्ट पैक में रखा हुआ है, ये भी फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ गाइस। हमने जितने भी फोन अनबॉक्स किए आज तक कभी इसे गिफ्ट पैक में नहीं आया। वेल, एक खेल ये लग रहा है कि ये गिफ्ट पैक इतना बड़ा क्यों, आईफोन का बॉक्स तो जनरली इतना बड़ा होता है, ये इतने बड़े में क्या है, ऐसा तो नहीं कुछ और पहुँचा दिया मेरे को गिफ्ट पैक के नाम पर चूना लगा के कंपनी। गिफ्ट पैक भी फ्रेश लग रहा है, ऐसा नहीं कि कहीं वो पार्टी वार्टी मिल गया हमने लगा दिया हो। तो हम भी इसको संभाल के खोलते हैं, CCTV भी चल रही है कुछ होगा, और बहुत सारे कैमरास भी चल रहे हैं, कुछ आते ही हम बता देंगे कंपनी वालों को। डिब्बे की पैकेजिंग तो ठीक लग रही है, मतलब लग रहा है पैसा वैसा डाला है। बहुत सी भाषाओं में यहाँ पे लिख रखा है, पता नहीं क्या, हेलो आईफोन 12 ब्लू, यानी कि इन्होंने जो स्टिकर है वो अलग से प्रिंट कराया है जस्ट फ़ोन के मॉडल के हिसाब से। हाँ, और यहाँ पे ओरिजिनल बॉक्स नहीं मिलता है, और चार्जर मिल भी सकता है, ओरिजिनल नहीं भी मिल सकता, वो भी हम टेस्ट करेंगे। और यहाँ पे एक आईफोन है, अब थोड़ी जान में जाना ही जब दिखाई पड़ा कि यस यहाँ पे फ़ोन तो है। और ये रहा चार्जर, डिज़ाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया, सीम्स ओरिजिनल, और
केबल भी ओरिजिनल क्वालिटी की फ्यू हो रही। हम तो फिलहाल नोच वोच के निकालेंगे इसको। एप्पल का वो कोड फाइंड करने की कोशिश की जहाँ पे लिखा होता है डिज़ाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया, तो यहाँ पे तो कहीं नहीं लिखा हुआ है। सो दैट मीन्स ये ओरिजिनल केबल नहीं है फॉर श्योर। एडाप्टर असली है। सो केबल में चांसेस ज़्यादा होते हैं नकली मिलने के, बिकॉज केबल जनरली ख़राब जाती खड़ जाती है ना। और आईफोन 12 है, 2 साल पुराना मॉडल है, तो चांसेस यही रहे होंगे कि केबल यहाँ पे इसकी ख़राब हो गई होगी। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट तो नहीं मिल रहा है। 12 मंथ्स मोबिक्स रिपेयर वारंटी है कंपनी कहती है, और आई एम नॉट श्योर कि मिलता है कि नहीं मिलता है। आज तक मैंने कभी ट्राई नहीं किया, कभी ट्राई करेंगे तो आपको बता देंगे। फ़ोन पे आने से पहले गाइस मैं आपको ये दिखा दूं कि मैंने किस कंडीशन का फ़ोन ऑर्डर किया था। यहाँ पे जो मैंने फ़ोन ऑर्डर किया था वो 64 GB का है, बट कंडीशन इसकी एग्जैक्टली सेम थी। यहाँ पे अभी आप जो देख रहे हैं ये 128 GB है, मैंने जो ऑर्डर किया था वो 64 GB है। लेट्स सी कि क्या वो सेम कंडीशन का फ़ोन अभी अवेलेबल है कि नहीं है। आईफोन 12 अगर मैं सर्च करूँ, वेबसाइट सुपर फास्ट नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लग रहा है। एंड वो कंडीशन का फ़ोन तो नहीं है, लेकिन उसी का ब्लैक कलर का यहाँ पे अवेलेबल है। तो कलर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ और कंडीशन आप यहाँ पे देख लेंगे कि क्या कंडीशन यहाँ पे लिखी गई है। और यहाँ पे जो अबाउट दिस आइटम लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि लुक लाइक न्यू विथ मिनिमल साइन ऑफ यूसेज, यानी कि बहुत ही कम स्क्रैचेस होने चाहिए और एकदम फ्रेश कंडीशन होना चाहिए। अब मैंने ब्लू कलर का मंगाया है, वो आउट ऑफ स्टॉक है, ये ब्लैक है, सेम प्राइस का पड़ा है। ठीक है, अब चलिए गाइस फ़ोन पे आते हैं, देखते हैं कि फ़ोन की क्या कहानी, क्या फ़ोन में कुछ स्क्रैचेस हैं कि नहीं है, उसको हम चेक करते हैं। ओके, थोड़े से यहाँ पे फिंगरप्रिंट के मार्क्स मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, यानी कि रखते वक्त यहाँ पे ऑफकोर्स मशीनों से नहीं रखा गया होगा, किसी ने वहाँ मोबैक्स में पैक किया होगा इसको। और ऐसे अगर मैं देखने की कोशिश करूँ, मुझे यहाँ पे एक आधी स्क्रैच तो ऑलरेडी नज़र आ रहे हैं, जैसे कि बैक पैनल पे मुझे 2 फाइन स्क्रैचेस दिख रहे हैं, यहाँ पे एक वाइट सा पेंट दिख रहा है, कैमरे पे मुझे थोड़े से स्क्रैचेस दिख रहे हैं, और बॉटम पे आ जाएं स्क्रीन की साइड की तरफ तो यहाँ मुझे कुछ स्क्रैचेस दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे आई मीन मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस हैं, शायद यहाँ पे भी स्क्रैच है, और डिस्प्ले पे भी कुछ यहाँ पे कट्स दिखाई पड़ रहे हैं। सीम्स लाइक फ़ोन को काफ़ी बुरी तरीके से यूज़ किया गया, और ये डेंट्स एक कंडीशन में और भी पड़ सकते हैं जब फ़ोन के साथ कुछ टैम्पनिंग की जा रही हो, वो तो आगे चेक करेंगे कि ऐसा कुछ है कि नहीं है। फ़िलहाल जैसा कंपनी ने कहा था कि मिनिमल साइन ऑफ यूसेज, वो तो मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। स्क्रूज़ वेरीफाई करते हैं, हम कुछ मैक्रो शॉट लेते हैं आईफोन 14 प्रो मैक्स से। स्क्रूज़ से आप ईजिली जान सकते हैं क्या फ़ोन में कुछ झोल झाल है कि नहीं है। अगर आप स्क्रूज़ यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा सरप्राइजिंग मुझे लग रहा है, स्क्रूज़ यहाँ पे ऑलरेडी डैमेज दिख रहे हैं। जो टाइप सी के राइट साइड वाला है वो तो डैमेज है, लेकिन जो लेफ्ट साइड वाला है वो और ज़्यादा डैमेज है। उसके अंदर से कुछ रबर की गैस्केट सी यहाँ पे बाहर निकलती हुई दिखाई पड़ रही है। स्पीकर ग्रिल तो क्लीन लग रहा है, टाइप सी पोर्ट भी क्लीन है, तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कुछ अलग सा लग रहा है। अब देखिए स्क्रूज़ यहाँ पे डैमेज है, दैट मीन्स क्लियरली इस फ़ोन को ओपन करने की कोशिश की गई होगी। तो 2 चांसेस हैं, हो सकता है आपका फ़ोन ओपन हुआ हो और कुछ पार्ट्स यहाँ पे रिप्लेस किए गए हों। अब इसमें यह भी हो सकता है कि जो पार्ट्स रिप्लेस किए गए हों शायद वो ओरिजिनल लगे या डुप्लीकेट लगे हों, तो उसको थोड़ा सा मोर चेक कर सकते हैं कंप्यूटर पे। तो फिलहाल पहले मैं फ़ोन को सेट करता हूँ। फ़ोन में इंटरनेट भी प्रॉपरली कनेक्ट हो गया है, मैंने इसको सेट भी कर लिया है। फर्स्ट फेस आईडी गाइस वेरीफाई करते हैं। अभी जैसे मैं इसे स्वाइप करूँगा, क्योंकि यहाँ पे फेस आईडी का मांग रहा है, करेक्ट। जैसे मैं यहाँ पे आया, मैं दोबारा इसको, यस, मैंने लॉक कोड मैंने लगा रखा है, आप देख लेंगे लॉक कोड यहाँ पे लगा हुआ है, आया ना लॉक कोड। सो फ़ोन का फेस आईडी वर्क कर रहा है। सिम चेक कर लेते हैं, क्या सिम में अगर हम कॉल करते हैं तो कुछ कॉल जाती नहीं। अभी मैं इस फ़ोन पर कॉल किया मैंने, हेलो हेलो, स्पीकर ईयरपीस ये भी प्रॉपरली वर्क कर रहा था। फ़ोन की फंक्शनैलिटी में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। कैमरा वैमरा भी हम टेस्ट कर लेते हैं, वो भी प्रॉपरली वर्क करेगा। मेन कैमरा अल्ट्रा वाइड,
और ये इसके फ्रंट कैमरे से लिया हुआ एक सेल्फी वीडियो है, तो फ्रंट कैमरा भी यानी कि प्रॉपरली वर्क कर रहा है। और ये इसके रियर कैमरे से लिया हुआ एक वीडियो है, तो रियर कैमरा भी प्रॉपरली वर्क कर रहा है। और फ़ोन जब से मैं यूज़ कर रहा हूँ ऑलमोस्ट 20 मिनट हो गए, कोई ऐसा यहाँ पे हीटिंग इशू नज़र नहीं आ रही कि फ़ोन बहुत ज़्यादा हीट हुआ हो, यानी कि कुछ इशूज़ दिख रही हो। तो फ़िलहाल तो फ़ोन परफेक्टली वर्किंग कंडीशन में है। पहले तो हम एप्पल की कवरेज साइट पर जाते हैं, तो यहाँ मैं कोड एंटर किया हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑलरेडी दिखा रहा है कि सपोर्ट एक्सपायर है, लेकिन जो परचेज डेट है वो जनवरी 22, 2021 यानी कि 2 साल पुराना ये फ़ोन है, 2 साल 1 महीने हो चुके हैं, तो काफ़ी हैवीली यूज़ किया गया है। बैटरी हेल्थ 90% यहाँ पे बैटरी कैपेसिटी, यानी कि फ़ोन को काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया गया। तो ये डिपेंड करता है आपको जो फ़ोन मिला है वो किस कंडीशन में यूज़ हुआ है। फ़िलहाल 3U टूल्स चलाते हैं और कुछ चीज़ यहाँ पर पता लगाने की कोशिश करते हैं। एंड गाइस, ये रहा 3U टूल्स। यहाँ पे अगर हम सर्टिफिकेशन रिपोर्ट देखें, लेट्स सी क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो यहाँ पे सर्टिफिकेशन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ यहाँ पे रिपेयर नहीं दिखाई पड़ी, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। और जो सेल एरिया है वो HN/A है, यानी कि इंडिया रीजन का है। 64 GB और चार्ज ये हुआ है अराउंड 511 टाइम्स, यानी कि ऑफकोर्स बैटरी यहाँ पे रिप्लेस नहीं हुई, अदरवाइज़ यहाँ पे जो चार्जिंग साइकिल होती है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है। आप फ्लिपकार्ट का टू गुड वाला रिव्यू चेक कर लेना, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। जो इन्फॉर्मेशन मिली उसके हिसाब से तो यहाँ पे चीज़ें ठीक है, लेकिन ये जो स्क्रूज़ यहाँ पे डैमेज दिखाई पड़ रहे हैं, प्लस जो स्क्रैचेज ज़्यादा लगे हैं, उससे देखिएगा इस एक संभावना ये हो सकती है कि शायद ये फ़ोन बाहर रिपेयर हुआ हो और जो पार्ट्स यहाँ पे कुछ माइनर प्रॉब्लम्स हुई हो, तो वो दूसरे वर्किंग आईफोन 12 या डैमेज आईफोन 12, जैसे किसी का बैक पैनल चेंज डैमेज था तो हो सकता है डिस्प्ले लगा दिया गया हो, ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। सेम आईफोन 12 आपको अदर प्लेसेस में कितने का मिल रहा है, तो हम कुछ पॉपुलर प्लेसेस को ओपन करते हैं जहाँ पे आईफोन 12 के मॉडल अवेलेबल हैं। ओके, फर्स्ट ओवेंटिका जो हमने रिसेंटली ट्राई किया था, जैसे हमने गैलेक्सी मंगाया था, वहाँ पर ये फ़ोन मिल रहा है 46,000 रुपये का। सेलबडी पे आईफोन 12 जो मिल रहा है वो अराउंड 35,000 का है। सही वैल्यू पे जाएँ 42,500 का, कैशिफाई पे जाएँ तो यहाँ पे भी मिल रहा है, तो सुपर मान के चलें तो 39,000 का है। और अगर हम अमेज़न पे चेक करें इसका प्राइस, तो 52,000 का आपको फ्रेश फ़ोन मिल रहा है। मेरे को बोला तो गया था कि अब की हम आपको वैसा ही देंगे जैसा आपने ऑर्डर किया था, लाइक एकदम फ्रेश कंडीशन में होना चाहिए। कट इट, यहाँ से खुलेगा, गिफ्ट रैप वाले बॉक्स के जैसा है। ओह, इस बार इन लोगों ने रिबन दे दिया। लास्ट टाइम आपको याद होगा कि ये ऐसे ही पेपर में था, बट रिबन नहीं बना था। लगता है इस बार इम्प्रेस करने के लिए रिबन दे दिया है। नेवर माइंड, इसको भी हम कट करते हैं केयरफुली। ओके, बॉक्स वैसा ही है। रिन्यूड मुझे याद नहीं कि लास्ट टाइम रिन्यूड लिखा था कि नहीं लिखा था, बट होपफुली होना ही चाहिए। एंड यहाँ पे भी आईफोन 12 ग्रीन लिखा है। मुझे बोला गया था कि हम आपको ब्लैक कलर का भेज रहे हैं, एकदम फ्रेश कंडीशन में है, और यहाँ पे इन लोगों ने ग्रीन लिख रखा है। और लेट्स सी ग्रीन इसमें है कि नहीं है। थैंक यू ओपेक्स। एंड यस, ग्रीन कलर का भेज दिया, बोला था कि ब्लैक भेजेंगे। यहाँ पे कुछ बिल है, सेम प्राइसिंग है, और चार्जर ओरिजिनल लग रहा है। केबल देख लेते हैं इस बार, केबल उन्होंने ओरिजिनल भेजी कि नहीं भेजी। तो केबल और चार्जर तो इस बार ओरिजिनल है। अब फ़ोन देख लेते हैं, क्या फ़ोन में कुछ स्क्रैचेस लगे कि नहीं है। और एट ए ग्लांस अब मैं देखने की कोशिश करूं तो फ़ोन तो एकदम फ्रेश है, डिस्प्ले पे भी कोई स्क्रैच नहीं है, एकदम कम्प्लीटली फ्रेश फ़ोन दिया है। एंड यप, रिप्लेसमेंट तो गाइस सही आया। अब इस डिवाइस को हम नहीं चेक करेंगे, ऑलरेडी हम चेक कर चुके हैं, कुछ खास चेक करने की ज़रूरत नहीं है। सो पॉइंट आप समझ गए कि आपको यहाँ से लेना है कि नहीं लेना है। आप ले सकते हैं बट एट योर ओन रिस्क, ऐसी कंडीशन आपके साथ भी मे बी हो सकती है या नहीं भी हो सकती है, उस बात की कोई गारंटी नहीं है। बट क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स है हमने ऑलरेडी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली।